بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نقدم لكم موجزاً عن بعض أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز في الأيام القليلة الماضية. يسعدنا أن نقدم لكم اليوم أبرز ما جاء في اللقاءين اللذين عقدا نهاية الأسبوع الفائت مع حضرة خليفة المسيح أيده الله تعالى بنصره العزيز. فقد تشرفت عضوات لجنة إماء الله في هولندا بحضور لقاءين افتراضيين مع سيدنا أمير المؤمنين وخلال الاجتماع الأول قدم حضرته توجيهاته حول الحجاب یہ پردہ یہ تربیت ہونی چاہیے ناصرات میں بھی اور لجنہ میں بھی کہ پردے کا حکم جو ہے یہ قرآن کریم کا حکم ہے اللہ اور رسول کا इसलिए जमात ने वो काम करने हैं जो अल्लाह रसूल के लिए और ये ऐसे हुक्म है जिनका जिक्र है वाज हुक्म है जो ख़ास बात बातें हैं ना अहम खुली खुली वाज में के उनमें एक परदे का हुक्म है इसलिए हम कहते हैं अगर इसमें कोई सिर्फ ये होता कि किसी से इस चीज़ से इस्तेबाद किया जाता या किसी चीज़ से समझा जाता उसको इंटरप्रेट किया जाता कि ये इससे ये मतलब निकलता है तो फिर हो सकती थी गुंजाइश निकल सकती थी कि लड़कियां समझें या औरतें समझें कि हाँ यहाँ इजाज़त है पर देखिए यहाँ नहीं है लेकिन जब वाज हुक्म आ गया तो इसलिए हमने हुक्म को पे अमल करवा करना है और करवाना है ये बातें दिमागों में डाल दें अच्छी तरह लड़कियों के तो पर्दे की तरफ भी तोजो पैदा होगी असल चीज़ यह है कि ये चीज़ पैदा करें कि हया ईमान का हिस्सा है हदीस है ठीक है जब हया पैदा हो जाएगी तो ख़ुद ब खुद पर्दे की तरफ भी तोजह पैदा हो जाएगी चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की है वो अपनी हया के दायरे में रहेगी अपना लिबास का ख्याल रखेगी और फिर पर्दे का भी ख्याल रखेगी लजना को ना? अब अखबारों में लिखने के लिए कौन से इकदाम लिए जा सकते हैं जो भी कंटेम्प्रेरी इशूज़ आते हैं और अखबारों में लिखे जाते हैं मजमून या आप लोग महसूस करते हैं कि डिस्कस हो रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे या कहीं उसके लिए आप सोशल मीडिया पे अपनी वेबसाइट पे लजना की वेबसाइट पे दें ताकि अवेयरनेस हो हर एक को पता लगे कि ये इसका असल जवाब है असल चीज़ ये है इसी तरह उन इश्यूज़ पे ऊपर जो लिखने वाली हैं इस्लाम के दिफा के लिए अखबारों में लिखें कि तुम लोगों ने कहते हो इस्लाम ये कहता है ये कहता है जबकि इस्लाम की तालीम तो ये है तो ये जो जो इतने लिखने वाले हैं उनको इनकरेज करें सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ टॉपिक्स जो आते हैं उन टॉपिक्स को लेना है ताकि अट्रैक्शन पैदा हो ज़्यादा लोग पढ़ें और तोजो दें और आपकी तरफ तोजो हो मगरब में औरतों के इशूज़ के ऊपर उठाया जाता है कि औरत को आज़ादी नहीं है औरत को पर्दे की रिस्ट्रिक्शन है औरत को फलाम पाबंदी में रखा जाता है औरत पर फलाँ किया जाता है इस पे औरतों को ही लिखना चाहिए कि तुम कहते हो ये मैं एक औरत हूँ मैंने ये 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 लिखा यहाँ यूके में भी लजना लिखती है और उसका अच्छा असर होता है बजाय इसके कि जवाब मर्द दें औरतें उसका जवाब दें तो ज़्यादा अच्छा असर होता है इसलिए अपनी एक टीम बनाएँ फिर इसका इलम भी आपको होना चाहिए ताकि इस्लामी mm -hmm. तालीम कालम भी होना चाहिए और जब त्यार, लिखें तो तैयारी करके बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिहाज से लिखना चाहिए ताकि अगले को इंप्रेस भी कर सकें Uh, प्यारे हुजूर अभी हॉलैंड में बहुत कम लचना है जो इंडिपेंडेंटली uh, अच्छा लिख सकती हैं उसके लिए हम जो, जो भी कम है जो काम है उसको गाइड करें तो जो काम है वो तो तैयार हो जाएगी ना जब एक टीम दो की चार की छः की आठ की जितने भी हैं वो तैयार हो जाएंगी तो मजीद और भी उनको देख देख के फिर और भी तैयार होती रहेंगी ठीक है कम यह ज़्यादा सवाल नहीं बंद काम करने वाला तो एक भी हो तो इनकलाब ला जाता है तो जब जवाब देंगी ना खुद ही आपके पीछे लोग पढ़ेंगे फिर जवाब लेने के लिए फिर आप जवाब मजीद लिखना शुरू कर देंगी फिर दूसरों को भी इनक्रेजमेंट हो जाएगी कि हम भी शामिल हों हम भी लिखें ठीक है किसी भी किसी भी चीज़ को करने के लिए या लोगों को उभारने के लिए कोई इंसेंटिव होता है ना तो वो इंसेंटिव यही है जब दो चार के नाम आएंगे ना अखबारों में तो बाकियों को भी शौक़ पैदा होगा कि हमारा भी नाम आए हम भी लिखने की कोशिश करें ठीक है

पर्दापोशी करनी चाहिए लेकिन रिश्ते के बारे में यही ये, ये भी हुक्म है कुरान करीम का कि कॉलेज शदीद से काम लो जो भी रिश्ता है लड़के और लड़की में जो भी नुख्स हैं बातें हैं उनका एक दूसरे को पता लगना चाहिए बिल्कुल सच्चाई से काम लो कोई एज पेज ना हो ताकि बाद में रिश्ते में दरारें ना पड़ें इसलिए हर बात बता देनी चाहिए खुल के रिश्ते का मामला बड़ा सेंसिटिव मामला है बाद में लड़ाइयाँ होती हैं बातें ये हमें ये नहीं बताया वो नहीं बताया तो इसलिए बेहतर है कि रिश्ता करते हुए ये सारी बातें बताओ और कुरान करीम के निकाह की आयात उसमें कॉलेज शदीद के बारे में ज़ोर दिया गया है इसीलिए सतारी का एक हुक्म अपनी जगह है वो ये है किसी के ऐप ज़ाहिर नहीं करने तुमने तुम जब रिश्ता बता रहे हो तो ये बता दो कि ये रिश्ता है बाकी अगर, अगर आपको पता भी है ना उसके बारे में कोई कमज़ोरी जिसका रिश्ता तजवीज़ कर रहे हैं तो ये बता दें कि रिश्ता है तुम लोग खुद ही आपस में बैठो मिलो देखो दुआ करो और फिर 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 फैसला करो अगर आपने सतारी करनी है तो ये है ना ये कि रिश्ता बताने से पहले आप उसको कह दें कि इसमें तो ये है ये है ये नुख्स है और उसका रिश्ता ही ना हो कह दें ये रिश्ता है तजवीज़ है इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं बुराइयाँ क्या हैं ये, है, है, क्या है, क्या है, ये तुम लोग खुद मिल के बैठ के देखो और अगर तुम लोगों को पसंद आता है तो कर लो और फिर दुआ करके फैसला करो असल चीज़ अल्लाह ताला अल्ल तैब है और गैब का इलम अल्लाह त है कि कौन सा रिश्ता किसके लिए बेहतर है इसलिए दुआ करके फैसला करना चाहिए इसलिए अल्लाह ताला ने तह कि इस्तखारा भी करना चाहिए अल्लाह ताला से खैर मांगनी चाहिए कि रिश्ते में खैर है तो मेरे लिए बेहतरी हो और आसानी से रस्ते खुल जाएँ अगर इस रिश्ते में खैर नहीं है इस्तखारे का मतलब खैर मांगना है और अगर खैर नहीं है तो इस रिश्ते में मेरे लिए रोक पड़ जाए तो ये सितारी का मतलब यह भी नहीं है कि रिश्ता करते हुए जो हकायक हैं वो भी ना बताए जाएँ अगर आपस में दोनों फरीक मिल बैठते हैं तो बेहतर यही है के कॉले श से काम लेते हुए आपस में जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ एक दूसरे का पता लगना चाहिए जिस ऐसी कम अज़ कम हर एक शख्स कोई परफेक्ट नहीं होता हर एक में बुराइयाँ भी होती हैं अच्छाइयाँ भी होती हैं ये भी मतलब नहीं है कि बुराइयों का ऐलान करते फिरो लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जिससे एक बाद में रिश्ते में दरार पड़ने का खतरा हो टूटने का खतरा हो तो, तो बेहतर है कि वो बुराई या वो बात पहले ही बता दो कोई कमज़ोरी है कोई बीमारी है کسی لڑکی میں اگر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا کسی مرد میں کوئی کمزوری ہے تو وہ پہلی پتہ لگ جانی چاہیے ایک دوسرے کو تاکہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہوں۔ اليوم التالي لقاء الوفد الثاني مع أمير المؤمنين وهذه المره كان من الطالبات والمبايعات الجدد ومره اخرى اثير عدد من المواضيع على مدار ساعه تقريبا ये कहती हैं कि हम रमजान से एक ऑनलाइन कुर्दी ग्रुप से में तबलीग कर रहे हैं इस ग्रुप में बहुत हो रही है इनके मुल्ला ने पाकिस्तान में पढ़ा हुआ है तो, तो ये आगे ये कह रही हैं कि हम शरीफ उदय साहब से हेल्प ले रहे हैं क्या, क्या हम इस कुर्दी ग्रुप में तबलीग करते रहे या नहीं अगर वो अगर वो ऑनेस्ट नहीं है अगर सिर्फ उसने बहस करनी है तो उसका फायदा कोई नहीं है वक्त ज़ाया करने का उससे बेहतर है कि कुछ बेहतर लोगों को अप्रोच करें और उनको तबलीग करें जो जो सुनने वाले भी हों और जिसने सिर्फ़ जो ढीट है और सिर्फ बहस करनी है और इतराज़ पे इतराज करते रहना है और कोई सेंस वाली बात नहीं करनी तो उसको उस पर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत क्या है अगर तो वो नीयत उसकी नेक है वो सुनना चाहता है और अपने जो अखलाक के दायरे में मॉरल कोड्स के अंदर रहने के रहना चाहता है रह की बात करता है फिर तो ठीक है बात हो सकती है अगर वो गलत किस्म की बातें करता है फिर छोड़ें उसको और कोई और लोग देखें जो शरीफाना तौर पर बात कर सकें दलील से बात करें और दलील अपनी दलील दें अपनी बात के लिए और हमारी दलील सुने फिर उसका आ, पूरी तरह इंसाफ के साथ एनालिसिस करें फिर देखें कौन सच है कौन झूठ है आपके वालदेन की कौन सी नसीहत आप के लिए सबसे मुफीद साबित हुई है यही के कभी झूठ नहीं बोलना हजूर मेरा नाम खुशाल मुजफ्फर है और मेरा सवाल ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे यह न्यूज़ फैला है कि बड़े क्लोथिंग ब्रांड्स कोरोना की वजह से अपने क्लोथिंग फैक्ट्री के वर्कर्स जो बांग्लादेश पाकिस्तान के वगैरह में रहते हैं उनको बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं पे करते हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि अब हम उन्हें बॉयकॉट करें तो हजूर आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो सवाल ये है कि ये जो कंपनियां हैं यहाँ की रहने वाली है यहाँ की जो बड़ी कंपनियां है वो तो पैसे दे देती हैं ये कोई डायरेक्ट तो उसके पास नहीं जाते अपने लेबर के पास या जो भी उनके साथ वर्कर है कुछ वहाँ के लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो आगे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाते हैं ये उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं बड़ी कंपनियाँ वो आगे काम कराते हैं और लोकल लेबर से फिर काम लेते हैं और वो अगर नहीं करते तो वो एक्सप्लॉयड करते हैं अगर उनको सही तरह लेबर नहीं देते तो वो उनका कसूर है उस मुल्क के रहने वालों का यहाँ की रहने वाली कंपनियों का तो कसूर इतना नहीं क्योंकि अमूमन यही देखा गया है कि ये लोग पैसे दे देते दे 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 हैं सवाए है इसके इला माशाला शायद कोई हो जो ना देती हो क्योंकि इनके बड़े बिज़नेस चल रही इसलिए रहे हैं कि ये फेयर बिज़नेस करने वाले हैं और इंसाफ़ से लेबर देते हैं जो भी मुक्र हो ये और बात है कि थोड़ी लेबर देते हैं और ये और बात है कि वो काम बांग्लादेश से या श्रीलंका से या इन मुल्कों से करवाते ही है इसलिए हैं कि यहाँ थोड़ी लेबर पे काम हो जाएगा या इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी भी और गरीब मुल्क से लेकिन जो भी लेबर उनकी मुकर होती है वो दे देते हैं वो उनके आगे जो उन सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना आगे जिन्होंने आगे दिया होता है कॉन्ट्रैक्ट जिनको और फिर आगे वो लेबर से काम लेते हैं वो असल में चीट कर रहे होते हैं तो उस बाइकआउट करने से क्या फ़ायदा जो थोड़ी बहुत उनकी आमदनी है वो भी उनके हाथ से जाती रहेगी बाकी वहाँ का जो मुल्क का कानून है ये तो बांग्लादेश का कानून या जो इसी मुल्क में भी ये गलत काम हो रहा है उसको कानून वहाँ का कानून है उनको चाहिए ना कि अपनी लेबर का ख्याल रखें और जो बीच में ऐसे लोग हैं उनको सही उनका हक दिलवाएं उनका राइट दिलवाएं ठीक है ठीक है और अस्सलाम वालेकुम प्यारे मेरा नाम आयशा जुबैर है और मेरा सवाल है कि पाक में अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों को पहले किताब औरतों से निकाह का हलाल करार दिया है क्या आज कल के जमाने में ऐसा करना मुनासिब है बात यह है कि अहले किताब से तो शादी कर सकते हैं साथ ही अल्लाह ने यह भी कहा है कि तुम मुशरक से शादी ना करो तो आजकल जो एले किताब हैं वो ईसा को खुदा मानने वाले हैं अक्सर तो वो एले किताब होने के साथ साथ शिरक भी करने वाले हैं हैं? तो इस लिहाज से सवाए इसके के एक खुदा पे ईमान लाने वाले हो और ईसा को फौज चुदा समझते हों बस ईसाई सेक्ट ऐसी हैं तो हैं तो फिर तो ठीक है अदरवाइज़ तो ये गलत हो गया दूसरे ये कि किरण शरीफ ने बज़ जगह इन्हीं अहले किताब को और काफरों को एक ब्रैकेट में भी रखा है इसलिए हम कोशिश यही करनी चाहिए कि अवॉइड किया जाए और जो लड़के हैं एहमदी लड़के वो एहमदी लड़कियों से शादी करें और अहमदी लड़कियां एहमदी लड़कों से शादी करें लेकिन अगर कहाँ यहाँ देखा जाता है कि बाज़ ऐसी जगह इन्वाल्व इस माइंड इस हद तक हो जाती है कि जहाँ बुराई फैलने का ख़तरा हो वहाँ बाई इजाज़त भी दे दी जाती है शादी करने की तो उस बुराई को रोकने के लिए देगा फिर देखा दे जाता है कि लेसर ईवल कौन सा है उसकी वजह से इसको इजाज़त दे दी जाती है लेकिन बेहतर तरीका यही है और यही पसंदीदा तरीका है कि एहमी लड़के एहमी लड़कियों से शादी करें और एहम दी लड़कियाँ एह दी लड़ लड़कों से शादी करें और आपस में रिश्ते हों ताकि नेक नस्ल हो नई नक औलाद पैदा हो नहीं तो बाद मसाइल पैदा होते हैं मेरा आपसे सवाल है कि अगर एक वक्फ नो की फील्ड नैनो टेक्नोलॉजी हो तो वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद किस तरह से जमात की खिदमत कर सकती है देखो जी नैनो टेक्नोलॉजी तो एक इल्म है ना और नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल मेडिसिन में भी, भी इस्तेमाल हो रही है और भी बहुत सारे शोबों में इस्तेमाल हो रही है रिसर्च में इसमें हो रहा है काम ठीक है ना नैनो टेक्नोलॉजी यही है ना एक छोटे से मान्यू टेस्ट पार्टिकल के ऊपर तुम बहुत सारे काम ले सकते हो जिस तरह तुम कंप्यूटर में छोटी सी चीज़ पे बहुत सारी चीज़ें डाल लेते हो जमात का एक मकसद इंसानियत की खिदमत है है ना जी बस फिर तो जब इसका फ़ायदा यह होगा कि इससे इंसानियत की खिदमत होती है एक डॉक्टर बनता है एक डॉक्टर बनता है वक्फे न है उसको कह दिया जाता है कि तुम डॉक्टर बन जाओ और अभी जमात का अस्पताल में जगह नहीं तो गवर्नमेंट के अस्पताल में काम करो तो उसका जमात को क्या फ़ायदा होता है इंसानियत को फ़ायदा होता है ना ह्यूमनिटी फर्स्ट का जो काम है वो जमात का एक ऑक्सिलरी किस्म का ही इदारा है ना वो दुनिया में काम कर रहा है उसको जमात को बरए रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना इनडायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है जमात का तारफ़ होता है जमात का जो खदमत का अल्लाह तला ने जो काम दिया हुआ है इंसानियत की खिदमत का एक हकी मुसलमान को वो इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं इसी तरह कोई भी काम जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो उसको यही समझें कि वो अल्लाह ताला का हुक्म है और जमात ने वो काम करना है डायरेक्ट फ़ायदा हो या ना हो सिर्फ अपनी अपनी जेब नहीं भरनी हमने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है मखलूक की खिदमत करना है ये इंसानियत का काम है हम नारा लगाते हैं कि वसीम उलाम आए दो काम थे उनके एक ये कि बंदे को खुदा तला से मिलाना और एक बंदे को बंदे के हाक अदा करने वाला बनाना अब ये तो नहीं लिखा हुआ कि बंदा सिर्फ़ अहमदी मुसलमान का हक अदा करेगा या फिर उसके बाद फिर मुसलमान का हक अदा करेगा और हिंदू का नहीं करेगा और ईसाई का नहीं करेगा और यहूदी का नहीं करेगा और बुद्धिस का नहीं करेगा या ला मज़हब का नहीं करेगा हर एक इंसान की खिदमत करना काम है और यही जमात का काम है और यही जमात का फ़ायदा है इसी से तारुफ़ होता है फिर लोग पूछते हैं कि अच्छा भाई तुम क्यों खिदमत कर रहे हो बताओ भाई हमारा मज़हब ये कहता है और जब इनडायरेक्टली अब मज़हब की बात होती है फिर उनको तोज् पैदा होती है मज़हब पे और फिर इस तरह इनडायरेक्टली तबलीग के रास्ते खुलते हैं तो जमात को फ़ायदा अल्टीमेटली जमात को फ़ायदा होता है लेकिन अगर बर रास्त ना भी फ़ायदा हो तो इंसानियत की खिदमत का जो जज्बा है वो अल्लाह ताली का हुक्म है कि इंसानों की खिदमत करो वो हम हमने करना है अल्लाह को राज़ी करने के लिए समझ आई जी अच्छा चलो फिर हाई स्कूल में जो बच्चियाँ जाती हैं स्कूल का माहौल ऐसा होता है कि दोस्तियाँ बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं अगर कोई अच्छी या कोई कंपनी ना मिले तो हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं मतलब सेल्फ स्टीम और पढ़ाई पर भी बहुत असर पड़ता है दोस्ती क्यों ना हो किसने कहा दोस्ती ना करो अच्छे अच्छी और न, न, जो अच्छे अखलाक की लड़कियाँ हैं और उनसे दोस्ती करनी चाहिए लेकिन यही याद रखना चाहिए कि हर एक में कोई बुराई होती है जो जो वेस्टर्न सोसाइटी की बुराइयाँ बाद में आज़ादी की वजह से आ जाती हैं पैदा हो जाती हैं जिनका उनको ख़्याल नहीं होता उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल जो है न, उनका और और है तो उनको फिर उनको समझाओगे असल तो मॉरल्स ये मुझे मदर मज़हब ने हैं और जो अच्छे अखलाक की लड़कियाँ वो समझ भी जाती हैं तो दोस्तियाँ करनी चाहिए

ملخصًا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تلفورد في الثامن والعشرين من شهر أغسطس حيث قال: "في هذا العصر، وبحسب وعود الله تعالى، بعث إمام هذا الزمان، المسيح الموعود والمهدي المعهود، حكمًا عدلًا ليجمع المسلمين على تعاليم القرآن الكريم، ويصحح أخطاء الفرق المختلفة ويجعلهم أمة واحدة. نحن نرى اليوم أن هناك من كل فرقة من فرق المسلمين من فكر بجدية في هذا الأمر، وشعر بآلام التشرذم، فاسترشد بالعقل والعلم والأدعية، ودخل جماعة المسيح الموعود عليه السلام. وفي كل سنة ينضم إليها مئات الألوف من الناس. فالجماعة الأحمدية قد أسست بحسب نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، ووعود الله تعالى، بأن خادما للنبي سيظهر في آخر الزمان، والذين بايعوا المسيح الموعود عليه السلام، قد تركوا جميع الاختلافات بين الشيعة والسنة والفرق الأخرى، وانضموا إلى الجماعة ليكونوا أمة واحدة. لقد بعث المسيح الموعود عليه السلام ليجمع المسلمين جميعهم على وجه الارض على دين واحد وهذه المهمه عهدت اليه من الله والخلافه الاحمديه واصلها من بعده نحن نطلع المسلمين الاخرين وغير المسلمين على تعاليم الاسلام لان هذه الجماعه اقيمت لرفع الاختلافات بين مختلف الفرق والمذاهب داخل الاسلام وبالرغم من المعارضه وشتائم التي نتلقاها لا يظهر منا إلا الأمن والسلام والدعاء ولن نتوقف عن قول الحق لا بد للجماعات الإلهية أن تتحمل الإذاء في سبيل الله ونحن ندعو الله ونسعى جاهدين لإيصال رسالة إمام العصر إلى جميع الناس والأديان لذا أطالب المسلمين والباحثين عن الحق بإنهاء الفساد وبالتفكير بأنه منذ مئات السنين قد وقع المسلمون في الاختلافات وأضعفوا وحدتهم. نمر في هذه الأيام بشهر محرم، وهو الشهر الأول من التقويم القمري، ومن المؤسف حقًا أنه بسبب الاختلافات يجرى الاقتتال في كثير من البلدان وأهل الدين الذي يعطي السلام، ومع ذلك يقتتل المسلمون فيما بينهم. فيجب أن نغير من تصرفاتنا وننظر كيف نستطيع أن نجعل المسلمين أمة واحدة ونفكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خاتم الأنبياء قد تنبأ أنه بعد الرقي الذي حازه الإسلام سيكون الفيج الأعوج، ثم بشرنا بخلافة على منهاج النبوة. فهذه الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هي التي ستجعل المسلمين أمة واحدة وتكون علامة لرقي المسلمين وتشير إلى وحدتهم والظروف أن هذا الزمن هو زمنها والآيات الواردة في القرآن الكريم والحديث الشريف قد تحققت فكيف لا نبحث عن الحكم العدل الذي سيقضي على الاختلافات بين السنة والشيعة ويوحد الجميع كأمة واحدة نحن نقول إن مؤسس جماعتنا حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام، هو الذي بواسطته حقق الله النشأة الثانية للإسلام، وهو الذي بدل الخصومات أمنا وسلامًا. فإذا كنا نتمتع بالعقل، فيجب ألا نجعل هذا الشهر ذريعة لإخراج الضغائن، بل علينا تحويله إلى شهر الحب والمودة. وعلينا ان نتبع تعاليم الاسلام ونقتضي بالامام الذي وهبه الله مكانه الحكم العدل فنصبح بذلك مسلمين حقيقيين قال المسيح الموعود عليه السلام لاحد العلماء لست كشيخ عادي بل جئت على سنن الانبياء فاعتبروني رجلا سماويا فتنحل كل هذه الخصومات والنزاعات الموجوده بين المسلمين إن الذي جاء من عند الله مأمورًا وحكمًا عدلًا فالمعنى الذي يفسر به القرآن هو الصحيح، والحديث الذي يصححه هو الحديث الصحيح، وإلا انظروا هل حُلت إلى اليوم هذه الخصومات بين الشيعة والسنة؟ وقال المسيح الموعود عليه السلام عن سيدنا أبي بكر: "ووالله إنه كان آدم الثاني للإسلام، والمظهر الأول لأنوار خير الأنام" وما كان نبيا ولكن كانت فيه قوى المرسلين. وقال أيضا: هل تعرفون مكانة عمر العظيمة؟ كان عظيما لدرجة أن القرآن كان ينزل موافقا لرأيه في بعض الأحيان. وقد ورد في الحديث أن الشيطان يفر من ظل عمر. وفي حديث آخر: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وفي حديث ثالث: كان في الأمم السابقة محدثون، ولو كان في أمتي محدث لكان عمر، وقال: كان علي رضي الله عنه تقيًا نقيًا من الذين هم أحب الناس إلى الرحمن، ومن نخب الجيل وسادات الزمان، أسد الله الغالب وفتى الله الحنان، ندي الكف طيب الجنان، كان شجاعا وحيدا لا يزايل مركزه في الميدان ولو قابله فوج من أهل العدوان أنفد العمر بعيش أنكد وأبلغ النهاية في زهادة نوع الإنسان وكان أول الرجال في إعطاء النشب وإماطة الشجب وتفقد اليتامى والمساكين والجيران وكان يُجلِّي أنواع بسالة في معارك، وكان مظهر العجائب في هيجاء السيف والسنان. ومع ذلك كان عذب البيان فصيح اللسان، وكان يدخل بيانه في جذر القلوب ويجلو به صدأ الأذهان، ويجلي مطلعه بنور البرهان، وكان قادرا على أنواع الأسلوب، ومن ناضله فيها فاعتذر إليه اعتذار المغلوب. وكان كاملا في كل خير وفي طرق البلاغة والفصاحة ومن أنكر كماله فقد سلك مسلك الوقاحة وكان يندب إلى مواساة المضطر وبالتالي إذا أعطى كل مسلم هذا الإجلال للخلفاء الأربعة لزالت الفروق وإذا أراد خدمة الإسلام فعليه الانتماء إلى المسيح الموعود عليه السلام الذي بعثه الله لهذا الغرض يجب ان ندعو الله كثيرا هذه الايام وان ندعو للمسلمين الاخرين ان يهبهم العقل لنكون سببا لانتصار الاسلام المقدر على يد المسيح الموعود عليه السلام امين. بهذا ناتي الى ختام نشرتنا وللمزيد من الاخبار يرجى متابعتنا على العناوين الظاهره اسفل الشاشه نترككم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.